वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के विजन को साकार कर रही है। 97 करोड़ की लागत और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली ये ट्रेन बनी है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में सिर्फ 18 महीनों में, जिसमें है कंफर्टेबल सीट से लेकर GPS पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, CCTV कैमरास और इमरजेंसी में ड्राइवर से बात करने के लिए टॉक बैक फैसिलिटी। साथ ही एग्जीक्यूटिव क्लास कोचेस को खास बनाती है। इसमें लगी 180 डिग्री तक घूमने वाली रिक्लाइनिंग चेयर्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, डिफ्यूज लाइटिंग और रीडिंग लाइट्स। आराम के साथ साथ सुरक्षा भी जरूरी है, तभी तो इस ट्रेन में लगे हैं ऑटोमेटेड स्लाइडिंग डोर्स और ऑटोमेटिक स्टेयर्स, जो केवल ट्रेन के रुकने पर ही खुलते हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात तो ये है कि जहां बाकी रेलगाड़ियां दिल्ली से वाराणसी पहुंचाती हैं 13 से 15 घंटों में, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 8 घंटे में पहुंचाएगी। ये सारी बातें बनाती हैं इसे एक एडवांस ट्रेन। वैसे जानते हैं ये ट्रेन बनी है भारत में मेक इन इंडिया के तहत। जरा सोचिए कैसा होगा जब अत्याधुनिक तकनीक से बनी ऐसी कई ट्रेनें तेज रफ्तार से भारत में विकास की पटरियों पर दौड़ेंगी, तो हम कितनी तेजी से न्यू इंडिया की ओर बढ़ेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश को समर्पित।